नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार से आ रही है, जहां मिठाई दुकान व्यवसायी का शव मिला है। शव बरामद किया गया है सोना नदी पुल के समीप। मिठाई व्यवसायी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चनौर निवासी रामाशीष गुप्ता है, जो 9 मार्च से लापता थे। परिजनों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उनके लापता होने की सूचना दर्ज कराई थी, प्राथमिकी दर्ज की थी। आज उनका छत्र बिछत्र शव बरामद किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार के समीप सोना नदी पुल के समीप के पास उनका शव बरामद किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने हत्या कर शव को रेलवे लाइन सोना पुल के समीप फेंक दिया है, ताकि लोगों को लगे कि रामाशीष ट्रेन से कटकर आत्महत्या किए हैं। तो बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं इस वक्त की, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार से, जहां मिठाई दुकान व्यवसायी का छत बिछत शव बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि रामाशीष गुप्ता, जो 55 वर्ष के थे, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चनौर गांव के निवासी थे, 9 मार्च से लापता थे। फिलहाल मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंच रही है। लोगों की भीड़ जुट गई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और मामले की जांच कर रही है।